लग रहा था। मैं बालक तू माता शेरावाली है, टूटिए नाता शेरावाली हो। मैं बालक तू माता शेरावाली है, टूटिए नाता शेरावाली शेरावाली माता रानी के पावन दरबार से इस वक्त फायर मीडिया टीवी टीम मौजूद है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां पे फायर मीडिया की टीम आए वहां से हम सरथल माता के दर्शन नहीं करवाएं। नवरात्र है आज, और आज तीसरा नवरात्र है, और तीसरे नवरात्र के इस खास मौके पर हमारी टीम आपको माँ सरथल देवी जी के पावन दरबार से आप तक ये लाइव दर्शन पहुँचा रही है। काफ़ी दिनों से सभी लोग उत्सुक थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन चला उसकी वजह से सभी लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, उत्सुक थे दर्शन करने के लिए। लेकिन आज नवरात्रों के इस खास मौके से कुछ ही दिन पहले जो है भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके मुताबिक जिला प्रशासन के अंतर्गत उनकी देखरेख में ये सब चीज़ें जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। और माँ सरथल देवी जी के पावन दरबार में आज काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोगों ने दर्शन किए, लेकिन लगभग सभी लोगों के मुँह पर जो है मास्क दिखे, सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण माँ सरथल देवी जी का ये पावन दरबार, और थोड़ा सा मैं आपको माता रानी के लाइव दर्शन यहाँ से करवाना चाहता हूँ। चलिए, तो आपने माँ अष्टादश भुजा के दर्शन किए, लाइव दर्शन हमने आपको करवाए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ भक्तजन भी मौजूद हैं, क्योंकि आप जानते हैं माँ सरथल देवी जी के पावन दरबार में मुंडन की यात्राएं तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा अनेक ज़िलों से या फिर हमारी यूटी जम्मू यूटी के बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ भक्तजन हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने दिनों के बाद, इतने समय के बाद ये यहाँ पर आए माँ सरथल देवी जी के दर्शन करने आए, और यहाँ पे आके इनको कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी देर के बाद सभी लोग उत्सुक थे माता रानी के चरणों में आने के लिए। आइए इनसे नाम भी जानते हैं, कहाँ से आए और कैसा लगा। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए, और काफ़ी दिनों के बाद सरथल देवी जी के दर्शन हुए, कैसा लग रहा है? मेरा नाम तो महेंद्र सिंह है, मैं सुरूर में रहता हूँ, यहाँ से कोई 35 किलोमीटर दूर है। काफ़ी देर से हम तरस रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में हम आ नहीं पा रहे थे। 8 महीने के बाद हमें यहाँ आने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी भगत जन यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब इनको देख के दिल खुश हो रहा है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, हम भी सरोड से ही हैं। बहुत दिनों से हमें ये थी आवाज़ थी कि हम सरथल माता देवी के मंदिर के पास जाएं, मगर आज बहुत दिनों के बाद हमें मौका आने को मिला यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत खुश हैं हम ये इनको देख के, बहुत अच्छा है सारा कुछ। तो लास्ट टाइम कब आए थे और कितना आप, मतलब कितना मन कर रहा था आपको यहाँ आने का? हम कोई 8 महीने से यहाँ तरस रहे थे आने के लिए, बहुत देर जी लॉकडाउन से पहले, पिछले साल आए थे हम, और एक साल के बाद हमें मौका मिला यहाँ आने का। तो नेक्स्ट आपका प्लान कब रहेगा आने का, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मंदिर खुल गए हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हो रही हैं, कब का प्लान रहेगा आने का? हम तो यही सोचते कि हम हर दिन यहाँ ही रहें तो अच्छा है, तो अब तो दरबार खुल गया है, अब जब भी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर आएंगे, और ये हर वक्त के मुंह पर होते हैं, क्योंकि ये मंदिर सरथल माता का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी प्राचीन काल से यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पे आते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि ज़िले से नहीं बल्कि ज़िले के बाहर, यहाँ तक मैं कह दूँ तो जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर से भी लोग दर्शन करने आते हैं। मुंडन की गतिविधियाँ भी यहाँ पे होती हैं, मुंडन की यात्राएँ भी होती हैं, उसके अलावा 12 महीने यहाँ पे लोग चलते हैं। कुछ ही 1 से 2 महीने का जो पीरियड है, 1 से 2 महीने का जो समय है, लगभग मैं आपको कह दूं जो सर्दियों का समय है उस समय मंदिर में जो जमावड़ा है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसके अलावा लगभग 9 से 10 महीने कंटिन्यू लगातार यहाँ पे यात्रा चलती है। लेकिन उससे अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं
प्रशासन को भी थोड़ा सा माँ सरतल देवी जी के दरबार का जो मार्ग है वो काफ़ी ख़राब है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप जब रास्ते से आए सड़क कैसी लगी, तो क्या यहाँ से प्रशासन को करना चाहिए, क्या रोड पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, ज़रूर देना चाहिए, मतलब जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, काफ़ी ख़राब रोड है। आप रोड से चल के आए, कैसा रोड लगा और क्या माँ सरतल देवी जी का जो मार्ग है उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए? जी जी। अभी आधे तक ब्लैक टॉप डाला हुआ है लेकिन वहाँ से और यात्राएं कंटिन्यू आ रही हैं लेकिन इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे प्रशासन? सर, हमारा तो कहना यही है, जितना हो सके रोड बननी चाहिए। कहाँ कहाँ से लोग सरतल माता के पास आते हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, जम्मू से यहाँ यात्रा आती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करें, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, बहुत इतने यात्री यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले रोड ज़रूरी है। बिल्कुल, सबसे पहले रोड ज़रूरी है, रोड ठीक होगा, मार्ग ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं भक्तजन ज़्यादा आएंगे और आराम से आ पाएंगे। हमने पहले भी रोड की काफ़ी सारी खबरें लगाई हैं लेकिन टस से मस प्रशासन को नहीं हो रहा है, चुपचाप प्रशासन सोया है और एक ही बात उनके ज़ुबान पर है, वो है CRF का फंड नहीं आ रहा है। आम लोगों को CRF के फंड से कोई लेन देन नहीं है, आम लोगों को रोड चाहिए। और हम भी प्रशासन से विनती करते हैं, इस माँ सरतल देवी जी के दरबार से विनती करते हैं कि कृपया रोड पर ध्यान दिया जाए और जो सरतल के लिए मार्ग है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उस पर ब्लैक टॉप डाला जाए ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, वो आराम से आ सकें। इसी बीच हमने यहाँ के दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश की और यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरा नरेश शर्मा। कितना नुकसान हुआ लॉकडाउन में, यहाँ पे काफ़ी देर के बाद मंदिर खुले हैं और आपको कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई कैसे करें? यहाँ तो बात ही मत पूछो नुकसान की, यहाँ ऑलरेडी सर्दियों का जो सीज़न रहता है ऑफ ही रहता है, टोटली दुकानें बंद ही रहती हैं, सर्दियों में उतने यात्रु तो आते नहीं हैं। जब सीज़न शुरू हुआ था तब से तो लॉकडाउन शुरू हो गया COVID-19 की वजह से, टोटली बिल्कुल हमारी दुकानें आज तक टोटली बंद ही रही। तो यही 2 दिन हो गए हमें फिर से दुकानें खुली हुई, हमने बहुत सारा माल डाला था, सामान जम्मू से डालते हैं, कोई 4-5 लाख रुपया हमारा दबा रहा पूरे साल भर, तो अब तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई है। अब तो दुकानों का किराया कैसे मैनेज किया आपने इतने दिनों से, कैसे क्या? उसमें भी बड़ा बुरे हाल है, क्या कुछ नहीं, अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ दे भी दिया है तो हमें ये जो किराया भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, उनको वैसे 1-2 महीने का वैसे छोड़ भी देना चाहिए जो जिनकी दुकानें ली है, मगर इन्होंने पूरा का पूरा किराया लिया है। तो भीड़ है यहाँ पे, क्या आपका अभी तो जो भीड़ होती थी पहले जैसे लास्ट ईयर्स पहले से, उससे लगभग मेरे ख्याल में कोई 5% ही भीड़ है। लगता लोग यहाँ पे मास्क पहन के आ रहे हैं सब? हाँ, यहाँ सब लोग मास्क पहन के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं, सिस्टम से ही चल रहे हैं, मगर बहुत नुकसान है, बहुत पहले से जितनी यात्रु पहले आते थे उससे लगभग मेरे ख्याल में 25% आ रहे हैं।